हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सभी को बहुत पसंद आने वाली है। ये ग्रीन ऑनियन जो आता है ना, स्प्रिंग ऑनियन के नाम से जाना जाता है, तो बस इसकी मैं कढ़ी बनाऊंगी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और राजस्थान में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जो लोग राजस्थान के हैं ना, वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैंने इस रेसिपी को बहुत ही अलग ढंग से बनाया है, तो सभी लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। तो फटाफट से अपनी रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग ओनियन का बंच लिया है और इसको आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है, तो फ्रेश बंच लीजिएगा और इसको धो लेते हैं। धोकर फिर मैंने इस तरह से देखिए रखा है, तो जो इसके वाइट वाला जो अनियन है ना, इसको हमें काट के अलग कर देना है। यहाँ पे मैं दूसरा ऑनियन कोई भी यूज़ नहीं करूँगी, बस इसी का ही यूज़ करना है छौंकने में भी। तो इसको देखिए मैंने इस तरह से एक साथ किया है और छोटा छोटा कट कर लिया है, जैसा भी आप कट कर सकते हैं, नॉर्मली आप कट कर लीजिएगा। और मैंने इसको पूरा काट के एक अलग बाउल में रख दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा ग्रीन अनियन है ना, उसको भी हमें काट लेना है, छोटा छोटा काट लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर इसका कितना प्यारा आया है ना। तो बस अब हमें इसे काट के अलग रखना है। एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच तेल, जो भी आप तेल खाते हैं ना बस वही आप ले लीजिएगा। और इसको गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे 1 पिंच हींग और अनियन ऐड करेंगे, जो कि हमने व्हाइट वाला अनियन कट करके रेडी किया था ना, बस उसे यहाँ पे ऐड कर देना है और थोड़ा सा इसे हमें पका लेना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जब तक हमारा अनियन पक रहा है तब तक हम दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने कलर लिया है, इसमें कुछ लहसुन है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 से 3 हरी वाली मिर्च हैं और थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच के लगभग जीरा है, मैंने उसको कूट लिया है। ये देखिए अनियन भी हमारा पक गया है और उसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस इसका कच्चापन निकल गया, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो बस जो हमारा अनियन जो ग्रीन वाला है ना, बस उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो बस इसको हमें इस तरह से पका लेना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। एक बार इस कढ़ी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो ये देखिए इसको हम पकाना है थोड़ी देर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट आप इसको इसी तरीके से पकने दीजिए। अब यहाँ पे लेंगे 2 टेबल स्पून बेसन लेना है एक बाउल में और दही डालना है। यहाँ पे फ्रेश दही मैंने यूज़ किया, बहुत ज़्यादा खट्टा दही का यूज़ नहीं करना। दही यहाँ पे मैंने 400 ग्राम यूज़ किया है, आप 500 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को देखिए अच्छे से मैंने मिक्स किया है। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि कोई इसमें लम्स ना रहे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा पतला ही कढ़ी रहता है, इसलिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके एक साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं अनियन, अनियन भी देखिए अच्छे से भुन गया है, ग्रीन वाला और जो व्हाइट वाला था ना, दोनों ही बहुत अच्छे से भुन गए हैं। यहाँ पे कैमरे की वजह से ना रोशनी थोड़ी अलग सी आ रही है, लेकिन आप लोग ना इसी तरह से भून लीजिएगा। और जो हमने लहसुन को कूट के रखा है ना, लहसुन मिर्च जीरा का कूटा था ना, उसको इसी टाइम पे ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसको हमें पकाना है 2 मिनट के लगभग पका लेना है। और इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले, सूखे मसाले, हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बस इतना ही हम डाल के इसको भून लेंगे। तो भूनना क्या है कि इसको थोड़ा सा मसाले जो हमने डाले ना, उसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो मेन है इसमें भुनाई, भुनाई अच्छी रहेगी हमारी कढ़ी बहुत मस्त बनेगी। तो आप देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है और कितने अच्छे से ये पक चुका है। अब जो हमने घोल के रखा है ना बेसन का घोल, उसको डालेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो गैस का फ्लेम है एकदम स्लो रखिएगा और हो सके अगर आपसे हैंडल नहीं होता है तो गैस को आप बंद कर दीजिएगा और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिएगा, देन आप फिर से इसको गैस के ऊपर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको गैस के ऊपर ही रखा है, गैस का फ्लेम स्लो रखा है और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है क्योंकि इस कढ़ी को हमें पतला रखना है। अगर ये पतली नहीं होगी ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और थिक नहीं अच्छी लगती है। अनियन की कढ़ी जो होती है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं अच्छी लगती है। तो ये देखिए
इसको पकते हुए 3 मिनट लगभग हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें थिकनेस भी अच्छी आ गई है। और अभी क्या है ना, थोड़ा जब ये ठंडी होगी ना, थोड़ी सी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बस इतना ही हमें इसे रखना है। गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको नीचे रख लेते हैं। अब इसमें एक तड़का लगा लेते हैं। तो एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें राई डाल दी है। राई से क्या होता है, लुक बहुत अच्छा आएगा। और पिंच भर हींग डाल दी है और 2 मैंने लाल वाली जो मिर्च होती है ना वो इसमें डाल दिया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है। और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। गैस से नीचे उतार लिया, नहीं तो मिर्च जल जाती है ना। तो बस तड़के को नीचे उतार लिया है और इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ये हमारे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और जैसे राजस्थान में बनती है उस तरह की मैंने कढ़ी बनाई है। और इसको आप सर्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की ही हो गई है। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें फटाफट से। इसको आप गर्मा गर्म राइस के साथ या चपाती के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी बनती है।